हेलो रन, वेलकम टू मलिक टेक। एक्सिस बैंक ने यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स करने के लिए आप कस्टमर्स के लिए यहाँ पर 3 न्यू डिवाइसेस लॉन्च किए हैं। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मीन्स आप बिना यहाँ पर एटीएम कार्ड का यूज किए भी पेमेंट्स कर पाएंगे। मीन्स यहाँ पर 3 तरह के डिवाइसेस लॉन्च किए हैं। एक रिश बैंड घड़ी की तरह रहेगा, उसे आप वेब करके पेमेंट कर सकते हैं पीओएस मशीन पे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर की चैन लॉन्च किया गया है, आपको की चैन दिया जाएगा एक्सिस बैंक का। उस डिवाइस का यूज़ करके आप पेमेंट कर पाएंगे यहाँ पर किसी भी फ्यूल पंप या फिर आप शॉपिंग मॉल में यूज़ करते हैं वहाँ भी वेब करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा चीज़, एक लूप बनाया गया है। आपने रिस्ट वॉच यानी जो घड़ी पहनते हैं उसमें उस लूप को लगा लेंगे, उससे भी आप पेमेंट कर पाएंगे। इस वीडियो में डिटेल में इस डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, इसके बेनिफिट्स और फीचर्स पहले जान लेते हैं वो क्या है, इसके चार्जेस क्या होंगे, इसे कैसे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा और ये कैसे वर्क करता है और ये चीज़ें आप कैसे आप मंगवा सकते हैं, डिवाइसेस आपको कैसे मिलेगा, डिटेल में सारी बातें जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सिस बैंक के इस कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का नाम है वेयर एंड पे नाम रखा गया। इससे पहले SBI ने कुछ इसी तरह का फीचर्स आप लोगों को लेके आया था कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का, घड़ी से पेमेंट करने का। आप योनो वॉच लॉन्च किया था जैसे वेरेबल डिवाइसेस करके, आपको SBI का एप्लीकेशन में दिखता होगा योनो में कि आप वेरेबल डिवाइसेस खरीद सकते हैं, वहां से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट अपना घड़ी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट्स। फीचर्स यहाँ मिलता है कि कॉन्टेक्टलेस तरीके से पेमेंट कर पाएंगे, मीन्स आप कहीं भी वेब करेंगे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं वेब करके, अपने गाड़ी का यूज़ करके या फिर की चेन आप लेते हैं उसका यूज़ करके या फिर आप लूप लेते हैं अपने वॉच आपके पास है उसका यूज़ करके आप ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर पाएंगे। आपको कोई यहाँ पर OTP और पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपने डिवाइस को वेब करेंगे POS डिवाइसेस में और यहाँ पर पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर वेलकम बेनिफिट्स भी दिया है। डिवाइसेस आप लेते हैं तो यहाँ पर आप पहले 30 डेज के अंदर एक्टिवेशन के अंदर 3 ट्रांजेक्शन्स आप कंप्लीट करते हैं 30 डेज के अंदर तो यहाँ पर 10% का यहाँ पर कैशबैक आपको दिया जाएगा। कैशबैक के कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी दिए हुए हैं, उसे आप पहले देख लें। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में है कि एक्टिवेशन में 3 ट्रांजेक्शन जो आपको करने हैं उसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन आपको 600 रुपये उससे अबव का होना चाहिए, तब ये 10% का कैशबैक आपको मिलेगा। कैशबैक आपको मैक्सिमम 100 रुपीज़ मिल पाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपीज़ एक्टिवेशन बेनिफिट्स आपको मिलेगा। कैशबैक जो है 60 डेज के अंदर या 45 डेज के अंदर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और एडिशनल बेनिफिट्स दी गई है, आप ट्रांजेक्शन का 10% का कैशबैक और है। 5th ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं मंथ्स के अंदर, 5वां ट्रांजेक्शन करेंगे तब ये आपको कैशबैक दिया जाएगा। ये एवरी मंथ ये ट्रांजेक्शंस आपको ये कैशबैक मिलेगा। इसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस बनाए गए वो आप देख लें। तो यहाँ पर इसमें ये मिनिमम ट्रांजेक्शन 200 रुपीज़ का होना चाहिए। 5th ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ तक का मैक्सिमम कैशबैक पर मंथ आपको मिलेगा एवरी 5th ट्रांजेक्शन। 5वां ट्रांजेक्शन एवरी मंथ करेंगे तो ये कैशबैक आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको क्विक पेमेंट की फैसिलिटीज मिलती है। आप 5000 का ट्रांजेक्शन विदाउट पिन का यूज़ किए हुए आप कर सकते हैं, सिर्फ वेब कर कर आप विदाउट यहाँ पर कोई पिन वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन। यहाँ पर मैक्सिमम जो है एक दिन के अंदर 5 ट्रांजेक्शन 5000 रुपये कर सकते हैं विदाउट पिन का यूज़ किए, यानी पिन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कॉन्टेक्टलेस तरीके से ये पेमेंट होगा। उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ पर पिन की रिक्वायरमेंट होगी। पिन आप एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन से सेट कर पाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम इस डिवाइसेस से आप 1,00,000 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन के अंदर, कोई भी POS डिवाइसेस पे आप करते हैं वहाँ, लेकिन पिन की रिक्वायरमेंट होगी अलग से, यहाँ पर पिन डालना होगा तभी आप 1,00,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। नॉर्मली आप पर ट्रांजेक्शन 5000 ही कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स का यूज़ कर पाएंगे। फ्रॉड लाइबिलिटी कवरेज भी इस डिवाइसेस के थ्रू मिलता है। किसी तरह का आप ट्रांजेक्शन का फ्रॉड यहाँ पर होता है इस डिवाइसेस का यूज़ करके तो 100% लाइबिलिटी कवरेज इस डिवाइसेस के थ्रू आपको मिलेगा। आप कंप्लेन करते हैं विद इन 30 डेज, 3 डेज के अंदर आप कंप्लेन करेंगे तो आपको फ्रॉड लाइबिलिटी का कवरेज 100% मिलेगा। तो अब बात करते हैं एक्सिस का वेयर एंड पे डिवाइसेस जो ये वर्क कैसे करेगा, इसे आपको एक्टिवेट कैसे करना। तो यहाँ पर देखेंगे यूजर मैनुअल दिया हुआ है एक्सिस बैंक की तरफ से। यहाँ पर यूजर मैनुअल आप देखेंगे वेयर एंड पे डिवाइसेस का, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपको रिस्ट वॉच जो दिख रहा है, 3 तरह का पहला डिवाइसेस लॉन्च किया गया है, देख सकते हैं 3 तरह का, रिस्ट बैंड, की चैन और यहाँ पर एक लूप है। तो रिस्ट बैंड भी आप ले सकते हैं डायरेक्टली, ये बैंड रहेगा, आप हाथ में पहन के कहीं भी पेमेंट करना चाहेंगे तो आप सिर्फ वेब करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर की चैन भी आप मंगवा सकते हैं, की चैन में आप अपने बाइक के की में इसे लगा सकते हैं और जब भी पेट्रोल पंप वगैरह पे आप फ्यूल लेते हैं तो कॉन्टेक्टलेस अपने की को सिर्फ वेब करेंगे और वहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर लूप दिया गया, एक छोटा सा लूप रहेगा, देख सकते हैं ये काला रंग का जो दिख रहा है, ये लूप अपने घड़ी में आप कहीं भी चिपका लेंगे, जो घड़ी आप पहनते हैं उसमें लगा लेंगे तो आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स कर पाएंगे। यहाँ पर इसके चार्जेस के बारे में भी बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइनिंग चार्जेस 750 रुपये प्लस GST, तीनों डिवाइसेस में कोई भी डिवाइसेस लेते हैं सबका रेट सेम ही है, तो 750 रुपये प्लस GST आपको यहाँ पर लगेंगे इस डिवाइसेस को मंगाने के लिए। इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी है साल यहाँ पर 500 रुपये प्लस GST भी आपको चार्ज किया जाएगा इस डिवाइसेस का यूज़ करते हैं तो।
तो यहाँ पर बताया गया वेयर एंड पे डिवाइसेस वर्क कैसे करेगा। आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है तो आपके सेविंग अकाउंट से ये लिंक हो जाएगा। जैसे आपका डेबिट कार्ड लिंक होता वैसे ये डिवाइस लिंक रहेगा। आप डेबिट कार्ड के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको वेयर एंड पे का ऑप्शन दिखेगा, उसे आप एक्टिवेट कर लेंगे। तो वहाँ से सिंपली उसका पिन सेटअप करना होगा। जब डिवाइसेज आपका इशू हो जाएगा, जैसे एटीएम कार्ड इशू होता वैसे ये डिवाइस इशू होगा। वो डिवाइस आपका इशू हो जाता है तो वहाँ पर ऑप्शन आपको दिखने लगेगा, वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसका पिन सेट कर लेंगे, उसका ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो अब बात आती है डिवाइस को ऑर्डर कैसे करना। तो ऑर्डर करने के लिए अभी ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं दिया गया, सिंपली आप एक्सिस के ब्रांच में विजिट करेंगे, वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं इस डिवाइसेस को अप्लाई करने के लिए। आपके 7 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। ऐसे आप फोन बैंकिंग कस्टमर्स को भी कॉल करेंगे, वहाँ से भी आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आपका डिवाइसेस ये बुक हो जाएगा। चार्जेस वगैरह जो होंगे आपके सेविंग बैंक अकाउंट से उसके कट जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अकाउंट से ही ये डिवाइस लिंक हो, जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है सिंपली ये एटीएम कार्ड की जगह पर ये डिवाइसेस आएगा। जो एग्जिस्टिंग एटीएम कार्ड है वो भी आपका वर्क करता रहेगा, ऐसा नहीं है डिवाइसेस एडिशनली है। एटीएम कार्ड वगैरह वॉलेट वगैरह आप यूज़ नहीं करते हैं, डिवाइसेस का यूज़ करके सिंपली आप पेमेंट कर पाएंगे, इसलिए कॉन्टेक्टलेस डिवाइस बनाया गया है। तो ये डिवाइस को एक्टिवेट कैसे करना, सिंपली जैसे आप डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करते हैं वैसे ही तरीके से आप इस डिवाइस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका पहले आपके पास ये डिवाइस जैसे ही आता है तो आप एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ पर आपको पिन सेटअप करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे, डेबिट कार्ड के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और आप पिन सेटअप पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखने लगेगा आपका डेबिट कार्ड, उसे स्लाइड करेंगे तो वहाँ पर आपको वेयर एंड पे डिवाइसेस दिखने लगेगा जो आपका इशू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप एंटर करेंगे 4 डिजिट का पिन, जैसे एटीएम पिन होता है वही पिन आपको एंटर करना है। सेट करने के लिए उस डिवाइसेस का पिन रखना पड़ेगा। उसके बाद पिन सेटअप करने के बाद यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स का ऑप्शन होता है, उसे आप इनेबल कर लेंगे। जैसे आप डेबिट कार्ड के लिए कॉन्टेक्टलेस पेमेंट इनेबल करते हैं, उसका इनेबल कर देंगे। उसके बाद इस डिवाइसेस को आप यूज़ करें, इसे मैनेज यूजर्स भी कर सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मेरे डिवाइसेस से ना हो, सिर्फ हम पिन डालकर ही इस डिवाइसेस का यूज़ करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड में करते हैं वैसे ही डिवाइसेस में भी आप कर सकते हैं। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैनेज यूजर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कॉन्टेक्टलेस पेमेंट ऑफ करना है, तो वो भी कर सकते हैं। डिवाइस से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट ना हो, हमेशा पिन की रिक्वायरमेंट हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए यहाँ पर सारे फीचर्स एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट आपका रिस्ट वॉच कहीं छूट जाता है तो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये कोई यहाँ पर ये नहीं कि आपको वहाँ पर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट होगा ही, आप ऑफ भी कर सकते हैं, हमेशा आपको फिर पिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो यही था एक्सिस बैंक का वेयर एंड पे डिवाइसेस। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिवाइसेस कैसा लगा, कि आप लोग ये डिवाइसेस खरीदेंगे। यहाँ पर 3 तरह के डिवाइस लॉन्च किए गए, तीनों का रेट सेम ही है। जैसे डेबिट कार्ड आपका होता है वैसे ही इशू होगा, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर ये भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे एक्टिवेट कर लेंगे। सिर्फ पिन सेटअप करना होता है जैसे कि मैंने वीडियोस में बताया, और ये एक्टिवेट हो जाएगा। चार्जेस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है डिवाइसेस के, वैसे आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। अपना इशू करा कस्टमर केयर को नंबर्स को कॉल करके या अपने ब्रांच में एप्लीकेशन देके आप इसे इशू करवा सकते हैं। मैं देखूंगा रिश्वाज जो है उसे मैं इशू करवाता हूं, और उसके बाद मैं आपको वीडियो से बना के दूंगा कैसे यहां पर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी चीज़ें काम करती है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो काम का है नहीं, की रखने के फ़ायदा है नहीं, एक लूप दिया गया वो छोटा सा घड़ी में ही लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप रिश बैंड ही मंगवा लें, वो आप हमेशा हाथ में पहने भी रहेंगे तो आप इजीली पेमेंट वगैरह कहीं भी कर पाएंगे। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ही मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।